हेलो दोस्तों, आज हम कोई मोटिवेशनल पोयम नहीं, आज हम लोग एक इमोशनल पोयम सुनने वाले हैं। और सबसे गजब का टॉपिक है इस दुनिया का माँ। वो माँ जो कभी जवान हुआ करती हैं, अब धीरे धीरे उम्र के बढ़ते पड़ाव के चलते वो धीरे धीरे बूढ़ी होने लग रही हैं। तो इसी विषय पर मैं आपको कुछ चंद लाइनों के माध्यम से उस माँ को के दर्द को समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर मेरी कविता आप तक पहुँचे तो इस कविता को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ध्यान से सुनते हैं कुछ लाइनें। माँ के जगने से जगता था घर आंगन, धूल भी छूकर उसे बन जाती थी पावन, पर अब माँ निस्तेज सी लगने लगी है। जी हाँ, मेरी माँ अब बूढ़ी लगने लगी है, मेरी माँ अब बूढ़ी लगने लगी है। जली कटी सब सास की सुन, हर उलझन को जो लेती थी बुन, पर उसकी चुप्पी अब और बढ़ने लगी है। जी हाँ, मेरी माँ अब बूढ़ी लगने लगी है। पकवानों में मर्दुल अमृत को घोल, भिखारी के भी जो पूरे करती थी बोल, पर चाय में चीनी कम पड़ने लगी है। जी हाँ, मेरी माँ अब बूढ़ी लगने लगी है। स्वर से घर में रौनकें भरती थी जो, बच्चों संग शैतानियाँ करती थी जो, पर जबान बहू की अब छलनी करने लगी है। जी हाँ, मेरी माँ अब बूढ़ी लगने लगी है। इस घर की जो कभी रानी थी, खत्म होने को शायद कहानी थी, अब वह बीते कल में रहने लगी है। जी हाँ, मेरी माँ अब बूढ़ी लगने लगी है। अब टूटा चश्मा कमजोर नजर है, अकेली पगली क्या रटने लगी है। जी हाँ, मेरी माँ अब बूढ़ी लगने लगी है। जी हाँ, मेरी माँ अब बूढ़ी लगने लगी है। माँ के जगने से जगता था घर आंगन, धूल भी छूकर उसे बन जाती थी पावन, पर अब वो माँ निस्तेज सी लगने लगी है, मेरी माँ अब बूढ़ी लगने लगी है, मेरी माँ अब बूढ़ी लगने लगी है।